दोस्तों भाइयों, एकता पिजन फ्लाइंग मध्य प्रदेश इंदौर की तरफ से मैं हूँ आपका भाई। और ये इनाम प्रतियोगिता चल रही है जिसके तहत शहरों के इनाम बाकी थे भाइयों, फर्स्ट और सेकंड। तो ये फर्स्ट हमारे खंडवा से भाई वसीम भाई का लगा हुआ है। वसीम भाई को इनाम दे रहे पप्पू भाई, क्योंकि फर्स्ट ले रहे, जिला चैंपियन बने भाई ये वसीम भाई, जिला चैंपियन बने हैं खंडवा से। और वसीम भाई का बहुत बहुत स्वागत है। और सेकेंड नंबर भाई मोनू भाई का लगा है खंडवा से, मोनू भाई। और सेकेंड नंबर इनका लगा है भाई, और ये मोनू भाई खंडवा से। गोलू भाई नाम दे रहे हैं, गोलू भाई नाम दे रहे हैं खंडवा से। सेकेंड नंबर मोनू भाई का लगा है, ये सेकेंड इनाम है भाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कबूतरों की टूर्नामेंट बाजी से पहले कबूतरों की मक्खी जूं कैसे बाहर निकाले, कबूतर को नहला के। तो जो तरीका बताऊंगा भाई, वो दोस्तों वो तरीकों को आप फॉलो करिए, माशाल्लाह आपके जो कबूतरों में जो जूं मक्खी होंगी पूरी ख़त्म, पूरी भाग जाएंगी। दोस्तों हम जैसे हमने आपको पहले भाग जो बनाए थे कबूतरों की, जो टूर्नामेंट बाजी से पहले जो कबूतरों की जो होती है डिवॉर्निंग, इस तरीके से करना है, कैसे नहीं करना है, माशाल्लाह उसके वो वीडियो भी बनी हमारी सक्सेसफुल हुई है। जो दूसरा भाग बनाए थे हमने वैक्सीन लसोटा, माशाल्लाह वो भी वीडियो सक्सेसफुल हुई है। और हम आपको तीसरा भाग बना रहे हैं, ये तीनों चीज़ करेंगे आपके कबूतर फ्री हो जाएंगे, फ्री माइंड हो जाएंगे। तो ये तीनों वीडियो कभी आपने कभी दो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो हम आपको वो वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ये वीडियो के आखिरी एंड में दे देंगे। कभी आपने वो कोर्स नहीं करे हो तो दोस्तों वो कोर्स भी करिए। टूर्नामेंट बारी से पहले कबूतर को फ्री करना काफ़ी ज़रूरी होता है भाई, बारीक बारीक भाई ये टिप्स मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों वीडियो बारीकी से और एंड तक के देखना, और इस वीडियो में हम आपको तरीका बताएंगे। पहले आपके सामने स्क्रीन पर आप ये बॉटल देख लीजिए, ये दोस्तों ये बॉटल का नाम देख लीजिए विटराज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये मेडिकल से आपको आराम से मिल जाएंगे, इसका नाम है विटराज। दोस्तों इसको देने का तरीका कैसे है मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप लेना 5 लीटर पानी, आपको सबसे पहले लेना है दो बाल्टी लेने के बाद 5 लीटर पानी लेना है। लेने के बाद आपको यही बॉटल का सिर्फ 3 ml, 6 ml की बॉटल आती है, आपको 3 ml लेना है, इंजेक्शन से लेना, जिसमें आपको एक थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, इसमें 1 ml, 2 ml, 3 ml आता ना भाई, वह इंजेक्शन लेना है। लेने के बाद उसको बाहर निकालना है, सिर्फ 6 ml से ज़्यादा नहीं निकालना। निकाल के लेने के बाद आप वो 5 लीटर पानी में डाल दीजिए, अच्छा सा उसको आप घुमा लीजिए, और उसको कबूतर को इस तरीके से पकड़ना है आपको कि कबूतर के वो पानी आँख में नहीं जाए। तो दोस्तों आपको इस तरीके से कबूतर को पकड़ना है जिसमें कबूतर के आँख में पानी नहीं जाए। बाकायदा कबूतर पकड़ो, उसके अंदर कम से कम 3-4 मिनट तक आप छोड़ के रख दो, सिर्फ कबूतर की आँख में पानी नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आपको कबूतर को उसके अंदर 2-4 मिनट डुबा के रखना है। डुबा के रखने के बाद कबूतर को बाहर निकालो। जैसे कि आपने दो बाल्टी बनाए, एक बाल्टी में उसकी दवा डाल दी है और एक बाल्टी में सादा पानी है। और ये आपको जब भी आप कबूतर को नहलाते हो तो दोस्तों ये आपको दिन का टाइम करना है, सुबह के टाइम करना है, दोपहर के टाइम करना है, शाम में नहीं करना है। और जो आप दूसरी बाल्टी में आपने साफ़ सुथरा पानी रखा हो बगैर लिक्विड का, जो सादा पानी आपने रखो दूसरी बाल्टी में, जब आप 3-4 मिनट उसमें कबूतर को डुबा के रखोगे, जैसे आप कबूतर को बाहर निकालोगे तो भाई सादे पानी में आपको 3-4 मिनट रखना है। रखने के बाद आप सादा पानी कभी कबूतर की आँख में जाता है कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि लिक्विड वाला जो दवाई जो आप डालोगे वो बाल्टी वाला, वो पानी कबूतर आँख में नहीं जाना चाहिए। फिर आप दूसरी बाल्टी में 3-4 मिनट रखो कबूतर को, फिर छोड़ दीजिए। आपको इसी तरीके से आपके पास जितने भी कबूतर है उड़ाने वाले कबूतर, बाजी टूर्नामेंट वाले जो कबूतर है, आपको इसी तरीके से कबूतर को नहलाना है। नहला के आने के बाद आप कबूतर को छोड़ दीजिए,
धूप में छोड़ दो, कभी धूप का मौसम भाई धूप में छोड़ दीजिए, तो कबूतर इससे ये होगा जो कबूतर के आंग में बारीक बारीक इल्ली बारीक बारीक कीड़े होंगे दोस्तों, तो पूरे बाहर, जिससे ये होगा आपके कबूतर में फ़ायदा ये होगा जिससे कबूतर आपके फ्री माइंड हो जाएंगे, जैसे कि आपने पहले भाग में डीवॉर्निंग करने का तरीका बताए थे, कबूतर के पेट में बारीक बारीक इल्ली होती है, वो पहले भाग में उस आपको ट्रीटमेंट जो इलाज बताए थे उससे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे भाग जो हमने वैक्सीन करने का तरीका बताए थे उसमें आपको बताए थे, उसमें जो कबूतर के वायरस नहीं आएगा आपके कबूतर में, कबूतर आपके फिट रहेंगे, वो करना भी ज़रूरी है। तीसरा जो भाग हमने बताया, इससे क्या होगा कबूतर के आंग में जो बारीक बारीक मक्खी होती है बारीक बारीक कीड़े होते हैं पूरे ख़त्म हो जाएंगे, कबूतर आपके फिट चुस्ती फुर्ती आँख में कबूतर में आँग में करंट आ जाएगा दोस्तों। फिर अब आती है बाजी टूर्नामेंट, कबूतर के टुकड़े कैसे सेट करें, कबूतर को कैसे उड़ाए, कबूतर को क्या दे क्या नहीं दे, खुराक पानी वगैरह, तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहो और हम आपको पूरी स्टेप बाई स्टेप वीडियो बनाएंगे। हम आपको ये 4-5 दिन में वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे, या 4-5 दिन में आपको पूरी वीडियो अपलोड हो जाए और आपकी चीज वीडियो आने वाले दिसंबर में ये वीडियो आपके काम आ जाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना, आने वाली वीडियो में आपको और कुछ नॉलेज के हिसाब से दोस्तों बताएं।